नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों को अंतिम दौर में पहुंचाते हुए अपने पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। सूची जारी की जा रही है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी राज्य की सभी 42 सीटों पर अपनी पार्टी यानी कि TMC के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी ने जन गर्जन सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और सभी 42 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जो कि बहरामपुर से सांसद हैं और उनके खिलाफ पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान पर दांव आजमाया है। यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसी तरह का दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर से भी पूर्व क्रिकेटर दिग्गज क्रिकेटर जो रहे हुए हैं कीर्ति आजाद, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और आसनसोल लोकसभा सीट पर एक बार फिर बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी ने भरोसा जताया। हम आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच काफ़ी दिनों से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देखने को मिलती रही और चुनाव के पहले लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि इंडी गठबंधन में TMC तो शामिल है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों TMC और कांग्रेस में बयानबाजी को लेकर के तलखियां हैं और ये पार्टी राज्य में साथ में चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन बाद में ये भी कहा जा रहा था, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी जो है वो थोड़ी नरम पड़ गई हैं और कांग्रेस को कुछ सीटें दे सकती हैं। लेकिन उन तमाम अटकलों पर आज विराम लग गया जब जन गर्जन सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों पर अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हम आपको बता दें कि जन गर्जन सभा को संबोधित किया है उन्होंने और उन्होंने बताया है कि पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम ममता बनर्जी ने किया है। हम आपको बता दें कि TMC ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक बार फिर एक्ट्रेस नुसरत जहां को टिकट अपना उम्मीदवार बनाया है, रैली थी जो सभा थी उसको भी ममता बनर्जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीट के लिए TMC के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती हूं। ममता बनर्जी जो है वो इंडी गठबंधन में तो शामिल है लेकिन वो पहले ही इस बात को कह चुकी थी कि राज्य में उनकी पार्टी जो है वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से TMC ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है तो BJP की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बंगाल BJP के अध्यक्ष जो है शुभेंदु अधिकारी, उनकी प्रतिक्रिया है और शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में ये कहा है कि TMC का ये फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। TMC के नेता गुंडे और भ्रष्ट हैं, उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और शुभेंदु अधिकारी ने आगे ये भी कहा है कि भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। तो जो संदेश खाली की जो हिंसा की जो खबरें निकल के आई थी, संदेश खाली का जो वाक्य था, भाजपा उसको लेकर के लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रही है और लगातार जिस तरीके से संदेश खाली की हिंसा के बाद दबाव बनाया गया, उसके बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि चुनाव के पहले अगर मोदी को हराना है, ये लगातार विपक्षी नेता ये कह रहे थे कि अगर हमें चुनाव में मोदी को हराना है तो सबको एकजुट होना होगा, लेकिन एक के बाद एक राज्यों में गठबंधन की जो गांठ है, विपक्षी गठबंधन की जो गांठ है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है। सभी नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, दल एक मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी और अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें अगर पश्चिम बंगाल में 2019 के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो 2019 में क्या नतीजा था, तो पिछले चुनाव में BJP ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि TMC 22 सीट जीतने में सफल हुई थी, बाकी 2 सीट जो है वो कांग्रेस को गई थी। हालांकि TMC ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भारी जीत हासिल की थी। लेकिन ये लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मोदी की लहर नहीं चली क्योंकि 22 में जिस तरीके से TMC प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई और एक बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से घटना हुई है, हिंसा हुई, उसको देख कर ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की स्थिति है, क्या कानून व्यवस्था है, वो सबके सामने है। और अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है TMC की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो कि लगातार ममता बनर्जी को लेकर के बयान देते थे, ममता बनर्जी की नीतियों को लेकर के बयान देते थे, लेकिन अब जब चुनाव के दिन नज़दीक आ गए हैं, कुछ चंद ही दिनों में तारीखों का ऐलान होने वाला है,
उसके पहले ममता बनर्जी का ये जो सख्त रवैया है और उन्होंने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो अब ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर के कांग्रेस का क्या रुख रहता है।